अब इस साइड की ओर चलते हैं। ये सब देख सकते हो, ये संदूक जो बोलते हैं ना, जिसमें चीज़ें रखते थे लोग, टाइल्स वगैरह, पेंटिंग वाले, सब कुछ ये है वो। और यहाँ से कितना ब्यूटीफुली दिखता होगा ना सब कुछ, ये देखो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। बहुत बड़ा है वैसे तो, घूमते घूमते शाम हो जाएगी, बट फिर भी ये हथियार वगैरह रखे हैं, बर्तन वगैरह, और ये पूरा स्ट्रक्चर अल्बर्ट हॉल का पूरा स्ट्रक्चर जो है ऊपर की तरफ रखा हुआ है। ये मूर्ति वगैरह नंदी की, शिवलिंग, ये सब रखी हुई है, गणेश जी की मूर्ति। सब मूर्ति वगैरह, अग्नि, केतु, सब ये बर्तन वगैरह है। और ये कौन सी है, वो लग रानी विक्टोरिया, ब्लैक मार्मिन में रानी विक्टोरिया की मूर्ति है, मतलब बर्तन वगैरह ये सब है पुराने ज़माने के, प्लेट, बॉक्स, एलिफेंट। और ये क्या है, मॉडल ऑफ जैन टेंपल है, ठीक है, जैन मंदिर का स्ट्रक्चर है। और ये ड्रेसेस वगैरह, मेल कॉस्ट्यूम है, कितने अच्छे से डिज़ाइन किया गया है, जो भी है ड्रेसेस पूरी। लकड़ी के जो ठप्पे होते थे, मतलब ब्लॉक प्रिंट्स जो होते थे, वुडन ब्लॉक्स वगैरह, और ब्लॉक प्रिंटेड कॉटन है, ये सब कितने अच्छे से डिज़ाइन किए। ये भी है, ये फीमेल ड्रेस है, ठीक है। और ये राजस्थान की कढ़ाई जो है, एम्ब्रॉयड्री फ्रॉम राजस्थान जो है वो है ये सब, ठीक है। ये ड्रेसेस वगैरह ही हैं, और पगड़ी जो फेमस है राजस्थान में वो सब। चलते हैं अब वापस। अब इस साइड चलते हैं, ये सब ये ज्वेलरीज है, नेकलेसेस वगैरह, ये तुलसी माला वगैरह, ताबीज़ वगैरह जो है होते हैं ना वो है ये सब। रिंग्स वगैरह, ग्लास बॉटल्स,
बर्नर बर्नर डिफरेंट टाइप ऑफ क्ले फिगर्स है, क्ले से बनाई हुई जो मूर्तियाँ हैं, फिगर्स जो बनाए हुए थे वो है पूरा, ठीक है। आइसिस की मूर्ति ओसिरिस, रेप्लिका ऑफ एमेनहोटेप, मार्बल की बनाई हुई लग रही है वैसे तो, कास्ट ऑफ ब्लैक ग्रेनाइट सीटेड स्टैचू ऑफ एमेनहोटेप, जो इजिप्ट में मम्मी है वो यहाँ पे है, द मम्मी ऑफ टू डू ऑफ फीमेल मेंबर फ्रॉम द प्राइज फैमिलीज ऑफ द कॉर्ड, ये सब पढ़ सकते हो यहाँ। यहाँ से बहुत मस्त दिख रहा है, वाह अबे समियार बहुत तगड़ा है, ये जो है गिटार वगैरह रखे हुए हैं, इशराज मतलब जितने भी एंशंट टाइम में जितने भी यूज़ होते थे रावण हत्था, मतलब ये राजस्थान में जितने भी चीज़ें हैं आर्ट एंड कल्चर वगैरह की जो एंशंट टाइम में यूज़ होती है वो, उनके बारे में यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी आपको। ये देखो तुराई वगैरह, इंडियन पुंगी शहनाई वगैरह, ठीक है, ये सब, और ये वीणा वगैरह, कमाईचा, मतलब जितने भी राजस्थान में इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते थे म्यूजिशियन वगैरह बजाते थे वो, जो रबाब होता है ये रबाब है, ठीक है, बहुत बड़ा रबाब है, मैं तो ये सोच रही हूँ इसको बजाते कैसे होंगे इतना बड़ा, मतलब सोच नहीं सकता। और हम दूसरे साइड आ जाते हैं, यहाँ पे है ज्वेलरीज का सेशन जो राजस्थान में यूज़ होती हैं ये सब, रिंग वगैरह है ये सब, ये सबसे मस्त लगा मुझे यहाँ का पार्ट। और ऑर्नामेंट ऑफ नेक, नेक के लिए जितने भी गले में पहनने वाले नेकलेस वगैरह, गले का जो हंसली वगैरह होती है जो राजस्थान में चलते हैं ज़्यादा, पुराने ज़माने में पहने जाते थे, आज भी पहने जाते हैं लेकिन कुछ ज़्यादा नहीं पहने जाते हैं, और टो रिंग्स वगैरह है, ये अंगूठे में बटन्स है, बैंगल्स हैं, सबसे अच्छा पार्ट मुझे ये लगा यहाँ का, और पाँव के जो गहने होते हैं वो सब है ये, मतलब वाओ इतनी मोटी चीज़ें कैसे पहन लेते होंगे पुराने लोग, वाओ। ये नेकलेसेस हैं जो कि स्फटिक के जो नेकलेसेस वो बीड्स से बने हुए, माला ऑफ ग्रीन बीड्स नेकलेसेस, सबसे अच्छा ब्लैक वाला है, और नेकलेसेस ऑफ ग्रेनाइट, ठीक है, ग्रेनाइट बीड्स के बने हैं, फिर मतलब बहुत अच्छा अच्छा है, मतलब आना चाहिए आपको। और ये चेस, मतलब सबसे अच्छा मुझे यही लगा, मैं सोच रही हूँ इतना अच्छा होगा। और ये देखो ये यहाँ के नेकलेसेस वगैरह हैं जो कि बीड्स से बने, ग्रेनाइट से बने हैं, और ये कुछ नेकलेसेस और भी हैं, चेस, ठीक है, जो कि राजा महाराजा खेलते थे इससे, ताओ पेच लगा दी है, और ये है मतलब जितने भी राजस्थान में चीज़ें यूज होती है वगैरह वगैरह इन सब, सो
आ रहे हैं, ठीक है। और नीचे भी बहुत अच्छा डिज़ाइन किया हुआ है इन्होंने, और मतलब मेरे को बहुत अच्छा लगा यहाँ के, ठीक है। That's the end of the vlog. Let's go. बस next part soon. Next part soon आएगा, बहुत जल्दी लेके आऊंगी मैं।